डिस्क्लेमर, वीडियो को सिंपल एडिटिंग में बनाया गया है क्योंकि तभी बात गहराई से समझ में आएगी। आपके अमूल्य समय में हमारा छोटा सा योगदान। एशिया में पिछले 70 सालों में तेजी से डेवलप करने वाली कंट्रीज को एशियन टाइगर्स कहा जाता है। 4 एशियन टाइगर्स हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, जिसमें साउथ कोरिया ने ना सिर्फ इकोनॉमिकली पर कल्चरली भी डेवलप किया है। साउथ कोरिया ने अपने कल्चर को BTS, ब्लैकपिंक और के ड्रामास के जरिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय कर दिया है और ओल्ड बॉय, होस्ट एंड पैरासाइट जैसी फिल्में जो अपनी जबरदस्त स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की वजह से साउथ कोरिया की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्में रही हैं, जो इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। और पैरासाइट तो वो पहली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी जिसने ऑस्कर जीता है। And the Oscar goes to Parasite. पर इन सब के अलावा साउथ कोरिया के डार्क साइड भी हैं, वो है रेसिज्म यानी कि नस्लवाद। साउथ कोरिया के रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और होटल्स में ऐसे बैनर्स देखने को मिलते हैं जिसमें लिखा होता है इंडियन सेंस पाकिस्तान इज नॉट अलाउड। इसे देख के आपको थोड़ा तो शौक लगा होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने यह जाना, क्योंकि हम भारतीय तो बड़े दिल से कोरियन ड्रामाज और बैंड्स को देखते हुए सुनते हैं, पर उल्टा हमें क्या मिला? नस्लवाद। वही नस्लवाद जो एक समय में ब्रिटिशर्स हम भारतीयों से करते थे हमारे ही देश में। पर क्या वाकई में ऐसा है? एक ऐसा देश जो खुद गुलामी, गरीबी और जातिवाद से आ चुका हो वो ऐसा कर सकता है, या फिर ये एक अफवाह है? और अगर साउथ कोरिया में रेसिज्म हो रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या सारे साउथ कोरियन रेसिस्ट हैं और हमें क्या एक्शन लेनी चाहिए? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जैसे ही साउथ कोरिया ने अपने मार्केट को फॉरेन इन्वेस्टर के लिए खोल दिया, विजिटर्स की संख्या बढ़ने लगी, नई नई कंपनियां खुलने लगी और देश की इकोनॉमी तेजी से डेवलप होने लगी। पर इसके साथ साथ रेसिज्म के केसेस भी बढ़ने लगे। साउथ कोरियन लोग आउटसाइडर्स को उनके रेस, कलर्स और एथनिसिटी के बेसिस पर भेदभाव करने लगे। कुछ का ये मानना है कि फॉरेनर्स उनके लिए खतरा है और कुछ उन्हें पिछड़ा और अछूत मानते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ कोरिया की 2020 की एक सर्वे में ये पता चला कि 70% फॉरेनर्स को साउथ कोरिया में कभी न कभी भेदभाव का सामना करना पड़ा है। यहाँ के लोग ही नहीं, साउथ कोरियन गवर्नमेंट्स भी डिस्क्रिमिनेशन करने में पीछे नहीं रही है। हुआ यूं कि कोविड के समय वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए सब्सिडी दे रही थी, पर उस सब्सिडी प्लान से साउथ कोरिया में रह रहे 1.4 मिलियन फॉरेनर्स को बाहर रखा गया। हालांकि कड़ा विरोध करने पर बाद में फॉरेनर्स को भी फाइनेंशियल एड दी गई। कोरियंस के डिस्क्रिमिनेशन का केस हमारे देश में भी देखने को मिला, जिसमें भारतीयों को ही भारत में बने कुछ रेस्टोरेंट्स में जाने नहीं दिया जाता। द वायर ने किया मोटर्स का प्लांट जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में है, वहाँ पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस प्लांट के अंदर 4 रेस्टोरेंट हैं, उन रेस्टोरेंट्स में किसी भी भारतीय को जाना अलाउड नहीं है। और वहाँ का स्टाफ भी या तो कोरियन है या फिर नेपाली है। और यहाँ तक कि उस प्लांट के पास वाले गांव जिसे पैनीकुंडा कहते हैं, उस एरिया में 15 रेस्टोरेंट्स और 10 गेस्ट हाउस है, उनमें भी भारतीय को जाना अलाउड नहीं है। ये क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पर हमारा मकसद कोई किया मोटर्स को डिफेम करना या फिर उसका बायकॉट करना नहीं है, पर अगर ऐसा अभी भी हो रहा है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। पर ये ऐसा करते क्यों है? स्कॉलर्स का ये मानना है कि कोरियंस की स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी, उनके हजारों सालों के प्योर एंसेस्टर ब्लडलाइन, समान भाषा, रीति रिवाज और इतिहास को जानने के कारण है। और ये भावना और ज्यादा बढ़ गई जब जापानीज ने कोरिया को कॉलोनाइज किया था और जबरन उनके कल्चर को खत्म करने की कोशिश की गई। और 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने कोरियंस का इमिग्रेंट्स और फॉरेनर्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया, क्योंकि IMF ने साउथ कोरिया को बेल आउट लेने के लिए मजबूर कर दिया, जिसका बहुत बुरा असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद करने पड़े, कई लोगों की जॉब चली गई और साउथ कोरिया ऑलमोस्ट गरीबी के कगार पर आ गया। इस वजह से साउथ कोरियंस फॉरेनर्स को एक थ्रेट की तरह मानते हैं। पर क्या इस वजह से कोरियंस का फॉरेनर्स और इंडियंस के प्रति रेसिज्म सही ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी हालत में किसी भी तरह का रेसिज्म कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि रेसिज्म सामने वाले के आत्मविश्वास को खत्म कर देता है, उसे नीचा महसूस कराता है, ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। पर क्या सारे कोरियन रेसिस्ट हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोरिया के भी हैं। कोरिया में कई अच्छे लोग भी हैं जो इंसानियत को रेस से ऊपर रखते हैं, स्किन कलर से ज़्यादा स्किल्स को प्रमोट करते हैं। मानते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा रेसिज्म होता था, पर अब सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है। एग्जांपल के लिए, वर्ल्ड वैल्यू सर्वे ने 2010 से 2014 के बीच में एक सर्वे किया, जिसमें 34% साउथ कोरियन ने कहा कि वे फॉरेनर्स को एक पड़ोसी के रूप में नहीं देखना चाहते। पर इसी प्रकार का एक सर्वे 2017 से 2020 के बीच में किया गया, जिसमें सिर्फ 15% लोगों ने कहा कि वे फॉरेनर्स को एक पड़ोसी के रूप में नहीं देखना चाहते। कोरियंस की स्पेशली भारत के प्रति ऐसी सोच का एक मेन कारण है वहाँ की मीडिया, जो अक्सर भारत की नेगेटिव इमेज को शो करती रहती है। एक और मेन कारण है साउथ कोरिया में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ का ना होना, इसकी वजह से रेसिज्म को बढ़ावा मिलता है। 2007 से अब तक 11 बार एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल को पास कराने की कोशिश की गई, पर वो अब तक नहीं हुआ। 2021 में 1 लाख साउथ कोरियन सिटीजन्स ने
नेशनल असेंबली में पिटीशन डाली थी कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल को पास कराया जाए, पर उसे वहां के जुडिशरी कमेटी ने रिव्यू में डाल दिया, पहले 2021 तक और फिर बाद में मई 2024 तक। लगता है वहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कोई कानून बने। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में रेसिज्म नहीं होता, पूरी दुनिया में लाखों लोग हर साल रेसिज्म से गुजरते हैं, उसमें भारत भी शामिल है। पर भारत में रेसिज्म को कभी कंस्टिट्यूशनलाइज नहीं किया गया। अगर भारत में कोई पब्लिकली रेसिज्म करता है तो उसे भारत के संविधान में आर्टिकल 14-18 के तहत समानता के अधिकारों के उल्लंघन के लिए उसे सजा मिलती है, ताकि कोई और ऐसा ना करे। अगर साउथ कोरिया में भी ये कानून बन जाता है तो वहाँ रेसिज्म के केसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी साउथ कोरियन लोगों से नफरत करनी चाहिए, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जो भारतीय वहाँ साउथ कोरिया में रह रहे हैं उन्हें एक पुशबैक देखने को मिल सकता है, शायद उन्हें देश छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अगर किसी के साथ में रेसिज्म होता है तो पीसफुली उसके साथ में खड़ा होना चाहिए, इंसान होके इंसान की रिस्पेक्ट करे, बिना किसी रेस, कलर और जेंडर के बारे में सोचे। आज साउथ कोरिया अपने यूनिक कल्चर और इंटरनेशनल ब्रांड्स के दम पर दुनिया में अपना नाम बना रहा है, उसने भी गुलामी से निकलकर अपनी पहचान बनाई है। हमें भी भारत की छवि को सुधारना होगा, इंटरनेशनल ब्रांड्स और कंपनीज को बनाना होगा। हमें अपने कल्चर और डाइवर्सिटी को एक सॉफ्ट पावर के रूप में दुनिया के सामने रखना होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जिसका सिक्का दुनिया में चलता है। यहाँ मुद्दा कोरिया का नहीं है, भारत की ग्लोबल इमेज का है। हमें अंग्रेजों के द्वारा साइंटिफिकली इम्प्लांट किए हुए माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। आज की युवा पीढ़ी गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे अपना सारा पोटेंशियल और अमूल्य समय बर्बाद कर देती है। क्यों हम सिर्फ आइदर और में सोचते हैं? अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो क्यों ना इसके साथ अपना खुद का कुछ छोटा सा स्टार्ट करें, एक बैकअप प्लान के रूप में। हॉलीवुड मूवीज तो देखी ही होगी अपने, जिसमें हीरो के पास हर बार एक प्लान भी जरूर होता है ताकि मिशन फेल ना हो। तो ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जा सकता? इससे भारत असल में एक महाशक्ति बन के उभरेगा, जिसमें हमें रेस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरा जेन ज़ी वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने जेन ज़ी की मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, उसे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।